नमस्कार सभी श्रोताओं का जन सरोकार मंच तो में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम सुमित शर्मा, मैं हरदा जिला मध्य प्रदेश के निमाड़ भाणा प्रांत से हूँ। और हम लोग निमाड़ी साहित्य, निमाड़ी लोक संस्कृति, लोक संगीत पर अभी कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा शर्मा जिला हरदा मध्य प्रदेश से हूँ। और मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है और मेरी विवाह जो है वो लोक समृद्धि से संपूर्ण परिवार में हुआ है। और मैं निमाड़ एवं मालवा प्रांत की निमाड़ी लोकगीत एवं निर्गुण गायन परंपरा को लेके चल रही हूँ, उस पर काम कर रही हूँ और उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। और इस लोक संवाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जन सरोकार मंच के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम और हमारी संस्कृति की इस कड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर संत सिंगाजी महाराज यहाँ के लोक कवि हुए हैं, संत हुए हैं जिन्होंने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग इस संवाद से जुड़ रहे हैं। ज्ञान की नौबत बाजे, संत सिंगाजी गाजे। ज्ञान की नौबत बजती है और संत सिंगाजी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मेरा जन्म हरदा जिले के ग्राम गोंदागांव कला में हुआ और लोक संस्कृति से समृद्ध कृषक परिवार में मेरा जन्म हुआ। और जिस जगह पर मैं रहता हूँ या जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है अभी फिलहाल, यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बहुत इंटीरियर इलाके में ये गांव आता है। तो शुरू से ही हमें हमारी संस्कृति को समझने का अवसर मिला और आज भी हम इसी पर कार्य कर रहे हैं। निमाड़ मालवा मध्य प्रदेश लोक संस्कृति से भरपूर और यहाँ का जनजीवन है। निमाड़ की संत परंपरा में लोक कवि संत सिंगाजी महाराज का स्थान सर्वोपरि है। संत सिंगाजी महाराज ने बहुत से उत्कृष्ट कार्य किए और सगुण भक्ति धारा के पथ से हटकर के निर्गुण भक्ति धारा के पथ को अपनाया और ब्रह्म के साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने बहुत से मार्ग दिखाए और अंधविश्वास रूढ़ियों का खंडन करके और ज्ञान का मार्ग दिखाया और बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनके बारे में हम अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर संगीत में गणगौर लोकगीत, निमाड़ी लोकगीत, निर्गुण भक्ति गीत और घेराबाजी, चंग, सजनई इत्यादि लोक संगीत की शैलियाँ विकसित हुई हैं और अभी भी चल रही हैं, लेकिन उनको और आगे ले जाने के लिए अभी कोई आगे नहीं आ रहा है। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए और आप जैसे लोग यदि जुड़ते जाएंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वह सफल होगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं आप सभी को सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगी कि हमने इस संगीत की विद्वत प्रशिक्षण ग्वालियर घराने के श्री विजय सप्रे गुरु जी से लिया है और इसके उपरांत हमें कई मूर्धन कलाकारों का भी सानिध्य प्राप्त है।
और हम अभी आप सभी के समक्ष हम और हमारी संस्कृति को लेकर आए हैं, और उसमें हम निर्गुण गायन का, जैसे अभी सुमित शर्मा जी ने बताया, ठीक उसी प्रकार में गणगौर पर्व के बारे में आप लोगों को परिचित कराना चाहूँगी, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। गणगौर पर्व हमारे देश के कई राज्यों में मनाए जाने वाला लोक उत्सव है। इसे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मालवा एवं निवाड़ भुवाना अंचल में गणगौर लोक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र और वैशाख के महीने में यह पर्व मनाया जाता है। गणगौर पर्व में शिव और शंकर जी की जो स्वरूप है उसे राजा धनिया जी एवं माता रनुबाई के रूप में पूजा किया जाता है, उसकी उपासना की जाती है, और घर की जो महिलाएं होती हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो होती हैं, वो सभी सर्वप्रथम स्नान ध्यान कर सज सवर के अपनी धनियर जी और राजा रनुबाई राजा धनियर जी एवं माता रनुबाई की प्रतिमा की पूजा करती हैं, और उसके लिए वो लोग आम के पेड़ के पास जाती हैं और पाती खेलती हैं और पूजा की तैयारियां करती हैं, और शाम को बड़ा ही सौंदर्य और मनमोहक दृश्य जो है वह पेश होता है। शाम को झांकी तैयार की जाती है और उसमें सभी कलाकार जो होते हैं वो गाना गाते हैं और झालरिया नृत्य करके धनिया राजा जी एवं धनुबाई का यह उत्सव मनाया जाता है। गणगौर लोक पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और प्रथम दिवस से लेकर के अंतिम दसवीं दिन तक बड़ी धूमधाम रहती है, और बहुत कठिन व्रत इसमें किया जाता है। बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन साधना है, और इसमें बहुत उल्लास से यह पर्व मनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर किसान लोग अपनी किसानी करते हैं तो 3-4 साल की किसानी की फसल जो होती है उसको एकत्रित करके उसके पैसे से उससे यह पर्व मनाते हैं। तो बहुत महंगा और बहुत खर्च इसमें होता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और चलिए अब चलते हैं संत सिंगा जी की ओर। तो संत सिंगा जी महाराज ने अपने जीवन में जो आध्यात्मिक अनुभव किए उन्हें अपने काव्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया और निर्गुण भक्ति पदों के माध्यम से लोगों में भक्ति का संचार किया। संत सिंगा जी महाराज एक असाधारण पुरुष थे और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कि उनके पदों में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े शब्द कहे हैं, लिखे हैं, और 1100 पदों की रचना संत सिंगा जी महाराज ने की है। अभी तक संत सिंगा जी महाराज लोक कवि के 1100 पद प्राप्त हुए हैं, और भी यदि होंगे तो उस पर रिसर्च चल रही है। मनीषी भूमिजन लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर लोक संगीत में सबसे पहले साखियाँ गाई जाती है, निर्गुण गायन का मैं बात कर रहा हूँ, साखियाँ गा करके और फिर मूल पद गाए जाते हैं, और उसमें कहरवा, दादरा, दीपचंदी इत्यादि तालों का, रूपक इत्यादि तालों का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ पुराने भजन जो हैं उसमें 4 ताल और अपना शूल ताल भी बजाया जाता है। शूल ताल पखावज पर बजाया जाने वाला ताल है, 4 ताल पखावज पर बजाया जाने वाला ताल है। तो पखावज वादन की परंपरा भी यहाँ पर रही है, लेकिन शनै शनै यह समाप्त होती चली गई, और आज 1-2 ही पखावज वादक यहाँ पर हैं जो कि जिसे हम मृदंग कहते हैं, मृदंग बजाते हैं। पखावज से थोड़ा छोटा होता है उसका साइज, वो यहाँ का जो मृदंग है वो थोड़ा एक अलग डिजाइन का बना हुआ है। नगर खजूर में जन मियाँ गवलई घर अवता गौरा को पै पियो भयो भूमि को भा धन मोदी धन परिगणो कि धन संतन को धाम।
सिंगा जी पावन करियो नगर पीप लोगा। संत सिंगा जी महाराज अपने एक पद में लिखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोई समझो समझण हरा। खोजत ब्रह्मा जलम सिराणा, गुण जन पार न पाया। खोजत खोजत शिवजी थाके, वो ऐसा परम पारा। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोई समझो समझण हरा। निर्गुण ब्रह्म सबसे न्यारा है, उसे कोई समझने वाला ही समझ सकता है, और समझना अति आवश्यक है निर्गुण ब्रह्म को, तभी हम निर्गुण के मार्ग से ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाएंगे। ऐसा कथन है हमारे संत गुरु श्रेष्ठ सिंगाजी महाराज का। त्रिकुटी महल में अनहद बाजे, अनहद का नाद आप सब लोग जानते हैं, अनहद किसे कहते हैं। त्रिकुटी महल में अनहद बाजे, होत शब्द झनकारा। सुख मन सेज शून्य में झूले, वो सोहम पुरुष हमारा। कौन? निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोई समझो समझन हारा। शेष सहस्त्र मुख रटे निरंतर, रैन दिवस इक सारा। शेष सहस्त्र रटे निरंतर, रैन दिवस इक सारा। ऋषि मुनि और सिद्ध 84, 33 कोटि पचिहारा। 33 कोटि ऋषि मुनि सिद्ध, 84 लाख योनि के प्राणी भी पच के परेशान होकर के थक गए, लेकिन उसका पार नहीं पा सके। वो निर्गुण ब्रह्म ऐसा न्यारा है, वह समझते परा है, परे है। तो उसे किस प्रकार से गाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझन हारा। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझन हारा। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझन हारा। समझो समझन हारा, अरे कोई समझो समझन हारा। कि निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझन हारा। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, अरे कोई समझो समझन हारा। खोजत ब्रह्मा जलम सिराणा, गुण जन पार न पाया जी। खोजत ब्रह्मा पार न पाया। खोजत खोजत शिव जी थाके, खोजत खोजत शिव जी थाके, वो ऐसा अपरंपरा। कि निर्गुण ब्रह्म है नारा, अरे कोई समझो समझन हारा। निर्गुण ब्रह्म है नारा, समझो। इस शैली में गायन होता है, साथ में बहुत सारे झांझ मंजीरा बजते हैं, और पखावज मृदंग ढोलक खंजरी इस पर बजाई जाती है। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोई समझो समझ हारा। खोजत ब्रह्मा जलम सिराणा, ब्रह्मा जी के कई जन्म बीत गए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी उसी ब्रह्म को खोज रहे हैं। गुणी जन पार न पाया, जो गुणी जन लोग हैं वो भी उसका पार नहीं पा सके। खोजत खोजत शिव जी थाके, शिव जी भी समाधि में लीन है, कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और उसी का ध्यान कर रहे हैं, उस ब्रह्म का, थक चुके हैं। जो खोजत खोजत शिव जी थाके, वो ऐसा अपरंपारा। निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, ये इतनी बड़ी बात और इतने आध्यात्मिक, इतना गूढ़ रहस्य हमारे संत सिंगाजी महाराज ने बताया हमें। और गुरु सिंगाजी महाराज का जन्म खजूरी गांव में हुआ था, बाद में वहां से वो पिपले आ गए थे। पिपले गांव में उन्होंने अपना निवास स्थान किया, और भामगढ़ के राजा के पास यहां पर नौकरी करने लगे थे। छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ संक्षिप्त में।
तो एक बार वो है डाकिया की नौकरी करते थे, पोस्टमैन थे वहाँ पर। तो जब डाक लेकर के लौट रहे थे तो सुक्ता नदी के घाट पर गुरु मन रंगगीर स्वामी वो अपने ध्यान में मगन थे और उन्होंने एक भजन गाया कि सुन ले रे मना भाई अंत ने होए कोई आपना, अरे सुन ले रे मना भाई अंत ने होए कोई आपना, सुन ले रे मना भाई अंत ने होए कोई आपना। तो सिंगाजी महाराज ने अपना घोड़ा रोका, उस भजन को सुना, एक लाइन सुना और एक लाइन में उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो गई, वैराग्य प्राप्त कर लिया। राजा के पास गए, डाक का झोला पटका, थैला वहाँ पे रख दिया और बोले कि मुझे आपके नौकरी की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी का काम नहीं आता है, अंत में कोई किसी के काम में नहीं आएगा, हम तो उस ब्रह्म का ही, हमें उस ब्रह्म से मिलना है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। और वहाँ से उन्होंने नौकरी त्याग दी। तो उस समय लोग उन्हें मतलब विक्षिप्त मस्तिष्क का एक साधारण मानव समझते थे, बोलते थे सिंगाजी तो क्या पागल हो गया है, इस प्रकार से अनेक दुर्वचनों से उन्हें संबोधित करते थे। लेकिन जानते नहीं थे कि सिंगाजी है क्या, क्या चीज है। और उन गुरु के चरण में आए, उनके चरण पकड़ लिए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए और अंत में 40 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ग्रहण की, भूमि समाधि उन्होंने ली। और जब उन्होंने उस भजन को सुना वहां पर तो कहने लगे हैं कि हे गुरुश्रेष्ठ, आपने एक ऐसा तीर मेरे को मार दिया, यह शब्द रूपी बाण कैसा मारा है जो कि हमें एक ही बाण से हमें सत्य का मार्ग दिखाई दिया, हमें निर्गुण का मार्ग साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपने छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, शब्द के भाले चलाए हैं जो कि हमें ऐसे लगे हैं कि उसका घाव नजर नहीं आ रहा है, हम दवाई भी कहाँ लगाया, अब तो सब कुछ छूट चुका है। अरे मारा बाण कसी, कहते सिंगाजी महाराज, मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, मारा बाण कसी, मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, मारा बाण कसी, मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, मारा बाण कसी, मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, मारा बाण कसी, मारा सत्य गुरु अन्न नहीं भाव नींद नहीं आव, 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 कहाँ लगाऊ दवा घसी मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, मारा बाण कसी, मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, छुरी नहीं मारी कटारी नहीं मारी, 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 शब्द का भाल घसी मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, मारा बाण कसी, मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, कह जन सिंगा सुनो भाई साधु, कह जन सिंगा सुनो भाई साधु, गुरु मन रंग भाल घसी मारा सत्य गुरु मारा बाण कसी, ये कस करके आपने कैसे बाण मारे और इतने कस के मारे कि वो सीधे हमको इस प्रकार से लगे हैं कि हमें उसका घाव भी नजर नहीं आ रहा है, हम कहाँ पर दवा लगाए और हमारे खान पीन खाना पीना कुछ भी हमें नहीं भा रहा है,
इस प्रकार से तो संत सिंगाजी महाराज को यहाँ पर देवता के रूप में आज भी हम लोग पूजते हैं, और एक देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। और कहते हैं कि संत सिंगाजी महाराज श्रृंगी ऋषि का अवतार थे, श्रृंगी ऋषि का अवतार संत सिंगाजी महाराज थे। देखिए इनकी जीवन पर मैंने बहुत कुछ लिखा है, अभी उतना समय नहीं कि मैं विस्तार से आपको पूरा बता पाऊँ। तो हमारे निमाड़ में इस प्रकार की लोक कथाएं हैं, लोक देवताएं हैं, लोक देवी देवता और लोक संस्कृति हैं जिस पर हम कार्य कर रहे हैं और उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं, यह जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार से गणगौर में भी गणगौर पर्व मनाया जाता है, बालक बूढ़े महिलाएं जवान सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बड़ी पवित्रता से पाकिजगी के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। और हमारी निशा शर्मा मैम आपके समक्ष एक निमाड़ी गणगौर गीत गा करके आपको सुनाएंगी किस प्रकार से गणगौर गीत गाया जाता है। अभी देखिए, मरा पियर में बोई गणगौर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो लड़की होती है, मतलब इसमें धनियर जी और रानू भाई के बीच में संवाद चल रहा है कि लड़की के पीहर से एक संदेश आता है और वह संदेश देकर जाता है कि आपके मायके में गणगौर का त्यौहार मनाया जा रहा है और आपके जो माता पिता हैं वह आपको आमंत्रित करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ आना है और उस उत्सव में शामिल होना है। तो जो रानू भाई हैं वो धनियर जी से कहते हैं कि स्वामी जी मैं मेरे मायके कैसे जाऊँ, मेरे पास तो अभी ना ही झुमकी है, ना कान की नथनी है, ना पायल है, ये सारी चीज़ें मेरी जो सखियाँ हैं उन सभी के पास है और वो सब लोग पहनेंगी, तैयार होंगी और अच्छी दिखेंगी, सुंदर लगेंगी और झालरियाँ देकर नृत्य करेंगी, इस त्यौहार को मनाएंगी, तो कृपया कर आप मेरे लिए भी जाइए और बाज़ार से ये सारी चीज़ें लेकर आइए और मैं भी इसे पहनकर अपने पीहर में जो है त्यौहार मनाऊंगी और गणगौर की उत्सव में सम्मिलित होंगी। तो इस प्रकार का चित्रण यहाँ के लोकगीतों में, गणगौर गीतों में और निमाड़ गीतों में किया जाता है। और उसको किस शैली में गाते हैं, किस अंदाज में गाते हैं, हम आपको सुना रहे हैं। ताल है खेमटा दादरा और द्रुत दादरा फिर आखिरी में उसमें लगता है। खेमटा गरबा ताल में यह गाना गाया जाता है, दादरा भी उसमें बजाया जाता है और आखिरी में लास्ट में द्रुत दादरा इसमें बजाया जाता है। सुन सजनी का साया मारा।
सारी रणगौर की गीते हैं और कुछ संस्कार गीते भी हैं जो कि हम लोग हमारी संस्कृति में गाते हैं और इनसे झालरिया नृत्य देखकर बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। रणगौर पर्व माँ पार्वती और शिव जी की पूजा के लिए मनाया जाता है। शिव जी का अवतार जिसे धनियर राजा हम लोग कहते हैं निमाड़ में, और मैया पार्वती जी का अवतार रनुबाई को माना जाता है गणगौर पर्व में, और उनकी उपासना की जाती है 9 दिन तक, और अंत में सबसे पहले तो रनुबाई को पावनी बुलाते हैं माता जी को, और 8 दिन तक भक्ति करते हैं। 9वें दिन मैया पानी पर निकलती है और नगर में घूमती हैं। 10वें दिन उनकी 9वें दिन ही उनकी शादी हो जाती है। धनियर राजा का एक प्रतीक बनाया जाता है पुतले स्वरूप, और रनुबाई का पुतले स्वरूप एक प्रतीक बनाया जाता है, जिनकी शादी करा करके और धूमधाम से शादी होती है। सारे सभी रिश्तेदार लोग आते हैं, सभी रिलेशन वाले और सभी गांव के लोग, सभी सगे संबंधी वहां पर एकत्रित होते हैं, और बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शादी होती है। नगर में बाना निकाला जाता है गाँव में, इसके बाद में अंत में तालाब पर या नदी के किनारे पर ले जा करके वहाँ पर जवारों का विसर्जन होता है, जवारे विसर्जित किए जाते हैं, तत्पश्चात फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। और इस प्रकार से 10वें दिन फिर पंगत होती है, मतलब सहभोज होता है, सभी लोगों का, ग्रामीण लोगों का सहभोज होता है, और साथ में सभी लोग खाना खाते हैं, और इसके बाद उस व्रत को खोलते हैं। इस प्रकार की लोक संस्कृतियाँ यहाँ पर हैं। और संत सिंगाजी महाराज उन्होंने कहा है कि देवल देख ल रे जामे सत्य निरंजन देव, बिन टाकी का देवल घड़िया जामे देव तिरभंगा, अलख पुरुष पर लख्यो न जाई वो तो पल पल में बहुरंगा, देवल देख ल रे जामे सत्य निरंजन देव। इस देवालय के अंदर ही देख ले रे, इसमें ही सत्य और निरंजन देव है। किसी देवालय में, मंदिर में, मस्जिद में आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, यदि सच्ची श्रद्धा से हम हमारे अंदर देख लें झांक करके, तो इसी में हमको ईश्वर दिख जाएगा। यह देवल बिन टाकी का देवल घड़िया, ये बिन टाकी का देवल है, इसमें कोई टाका नहीं लगा है, कोई ज्वाइंट नहीं लगा है। आत्मा का कोई ज्वाइंट होता है? आत्मा में कोई टाका लगा होता है? नहीं। बिन टाकी का देवल घड़िया जाम देव तिरभंगा, अलख पुरुष पर रखियो न जाए वो पल पल में बहुरंगा, देवल देख ले रे जामे सत्य निरंजन देव। तन कर दिवला मन कर बाती प्रेम अगन तन जारो, तन कर दिवला मन कर बाती प्रेम अगन तन जारो, और संतन घट में भयो उजियारो शून्य मंडल में तारो, संतन घट में भयो उजियारो शून्य महल में तारो, देवल देख ले रे जामे सत्य निरंजन देव। कह जन सिंगा सुनो भाई साधु निज पद से लव लागी, देवल देख ले रे जामे सत्य निरंजन देव। इसी प्रकार यहाँ पर संस्कार गीतों में, शादियों में मेहंदी के गीत गाए जाते हैं, बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते हैं, घट्टी आटा पीसने की जो चक्की आती है उसके गीत गाए जाते हैं, और बहुत प्रकार के संस्कार गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। एक मेहंदी का गीत जो शादियों में भी गाया जाता है, विवाह में महिलाएं सब एकत्रित होकर के गाती हैं और हस्ती खिलखिलाती हैं, मजाक करती हैं,
और एक दूसरे को चिढ़ाती हैं, ये सब हम आपको अभी क्षमा चाहूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो देखिए किस प्रकार से यह मेहंदी के संस्कार गीत गाए जाते हैं, निशा जी आपको सुना रही हैं। हमारी संस्कृति में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ अवसर पर मेहंदी महिलाएं लगाती हैं, और मेहंदी एक प्रमुख श्रृंगार होता है महिलाओं का। मेहंदी का गीत आपके समक्ष एक प्रस्तुत है, लोकगीत। देवर की रांगी आंग लीजी और मन रंगिया दोई हाथ मेहंदी रंग लागी। इस प्रकार के मेहंदी गीत भी यहाँ पर गाए जाते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, क्षमा चाहूंगा। जब सिंगाजी महाराज कहते हैं, ये तो आपने अभी गणगौर के गीत सुने, एक संस्कार गीत सुना, और अब वापस हम हमारे निर्गुण के विषय पर आते हैं। गुरु सिंगाजी महाराज कहते हैं कि जब हमारे घट के अंदर आनंद मंगलाचार होता है, तब ऐसा हम महसूस करते हैं, बहुत सुख, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, शब्द नहीं है, अप्रतिम। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो घट के अंदर आनंद मंगलाचार होने लगता है, हमारी आत्मा में मंगलाचार होता है। फिर गुरु जी कहते हैं कि हम निर्गुण के गुण कैसे गाएं, ओका गुण को अंत निपार, सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार। होत भंडारा नित का नया रे, हमारे मन के अंदर ही भंडारे हो रहे हैं, नित का नया रे, रोज नए नए भंडारे हो रहे हैं, और पावन महाप्रसाद, हमें रोज का महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है, आनंद मंगलाचार, सिंगा जी का आनंद मंगलाचार। ज्ञान गंगा की निर्मल धारा, सत्संग होए दिन रात, सिंगा जी का आनंद मंगलाचार।
अरे आनंद मंगलाचार सिंधा जी करे आनंद मंगलाचार 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 निर्गुण का गुण कसा हम गावारे 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 ओका गुण को अंत न पार सिंधा जी करे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी करे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी करे आनंद मंगलाचार होते भंडारा नित कन्हारे होते भंडारा नित कन्हारे होते भंडारा नित कन्हारे होते भंडारा नित कन्हारे पावन महाप्रसाद सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार ज्ञान गंगा की निर्मल धारा 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 सत्संग होए दिन रात सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार दास तुम्हारा कर अरदास दास तुम्हारा कर अरदास दास तुम्हारा कर अरदास दास तुम्हारा कर अरदास गुरु चरणन की आस सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार आनंद मंगलाचार सिंधा जी घरे आनंद मंगलाचार और हम लोग पतित पावनी माँ पुण्य सलीला माँ नर्मदा के तट पर नर्मदांचल में जो द लेप ऑफ नर्मदा माँ नर्मदा की गोद में रहते हैं और यहाँ पर कोई सा भी शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम नर्मदा माँ का स्मरण किया जाता है उनसे अनुमति ली जाती है उन्हीं को आगे किया जाता है तब सारा कार्य प्रारंभ करते हैं तो और यहाँ पर भजन भी गाते हैं तो एक गीत नर्मदा माँ का जरूर गाया जाता है और भुवाना के जनजातीय क्षेत्र में यहाँ के गांवों में हमें राजस्थान की संस्कृति भी देखने को मिलती है क्योंकि जब मुगल शासक या अन्य शासक अंग्रेज वगैरह जब धर्मांतरण करवाते थे तब लोगों ने पलायन किया जब अत्याचार करते थे तो लोगों ने पलायन किया गुजरात से भी लोग यहाँ पर कुछ लोग आए कुछ लोग राजस्थान से भी आए कुछ लोग ब्रज से यहाँ पर आए तो इस प्रकार से उत्तर भारत से बहुत से लोग यहाँ पर आए सुरक्षित जगह के तलाश में तो यह गोंडवाना स्टेट था यहाँ पर गोंड राजाओं का शासन था आदिवासियों का राज्य था और यहाँ पर विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत
से यह घिरा हुआ एरिया है इलाका, तो यह बहुत सुरक्षित था, तो यहाँ पर वो लोग बस गए। तभी से यहाँ की संस्कृति में आपको राजस्थान, गुजरात, ब्रज और मराठी शब्दों का भी मेल जोल आपको दिखता है। माँ नर्मदा का एक गीत आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं, किस प्रकार से नर्मदा माँ की उपासना की जाती है यह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दो लाइन, दो तीन लाइन हम आपको सुनाएंगे, समय का अभाव है। टाइम क्या होगा? 6:43। थारी सेवा करंगा, अरे सच्चा मन से मैं थारा भजन करूंगी, माई हो नरब दा थारी सेवा करूंगी, अरे सच्चा मन से मैं थारा भजन करूंगी, माई हो नरब दा थारी सेवा करूंगी, अरे सच्चा मन से मैं थारा भजन करूंगी, माई हो नरम थारी सेवा करूंगी, गंगा भी नाऊंगी जमुना भी नाऊंगी, गंगा भी नाऊंगी जमुना भी नाऊंगी, त्रिवेणी नैन मतो हजर रहूंगी, माई हो नरम थारी सेवा करूंगी, अरे त्रिवेणी नैन मतो हजर रहूंगी, माई हो नरब थारी सेवा करूंगी, अरे सेवा करूंगी तारा पूजा करूंगी, माई हो नरब थारी सेवा करूंगी, पान जो फूल अरु बेला की पानी, पान जो फूल अरु बेला की पानी, फूल डाली न मतो हाजिर रहूंगी, माई हो नरब थारी सेवा करूंगी, अरे फूल लाली न मतो हाजिर रहूंगी, माई हो नरब थारी सेवा करूंगी, अरे सच्चा मन से मैं तारा भजन करूंगी, माई हो नरब थारी सेवा करूंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर नर्मदा मैया की उपासना की जाती है, यहाँ के लोक में नर्मदा बसती है। और अभी इस समय आदिवासी लोग फंडकुल का त्यौहार मना रहे हैं। मैंने बोला ना कि यहाँ पर संस्कृति बहुत विचित्र है, बहुत उलझा हुआ काम है। अभी तो इसके पहले गर्भो गरबा गड़ब्या होता है, गड़ब्या मनाया था, उन्होंने मनाया जाता है, नर्वत मनाया जाता है जी। और संजा फूली, बहुत सारे लोक तीज त्यौहार हैं और सबका अपना अपना एक विशेष अलग महत्व है, सबके अपने अपने लोक गीत हैं। अभी हम तो समय बहुत कम है, एक एक चीज़ के बारे में नहीं बता सकते। हमने आपको संक्षिप्त में थोड़ा सब कुछ बताया और आप लोगों ने हमें सुना और हमारी संस्कृति को समझा, हमारे कुछ गीत भी सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। हमें हर्ष है कि इसी प्रकार से आप लोग हमसे जुड़ते रहें और इस निमाड़ भुवाणा क्षेत्र की लोक संस्कृति को आपके माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाएं और हमें सहयोग प्रदान करें। और जन सरोकार मंच टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी जन सरोकार मंच एवं सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने अपने इस जीवन शैली में से बहुत बहुमूल्य समय दिया और हमारी संस्कृति को सहेजने और उसे संरक्षित करने में सहयोग किया, और हम और हमारी संस्कृति से आप लोग
परिचित हुए हमारी जीवन शैली से भी और हमारे यहाँ मनाए जाने वाले लोक संस्कृति, संस्कार गीत, गणगौर उत्सव, निर्गुण गायन इत्यादि कई सारे संस्कृति से आप जुड़े और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा यह संस्कृति पसंद आया हो और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे ताकि ये आम जनता एवं युवा कलाकारों के लिए एक प्रेरणा होगा और वो सभी इससे जुड़ेंगे, इसे सुनने एवं सहजने में हमारा सहयोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय निर्गुण, जय संगीत।